हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंदाकिनी श्रीवास्तव वीडियोस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जीके क्वेश्चंस और आंसर्स की सीरीज, यानी कि सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। ये इसका पार्ट वन है और इसमें मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीएड, रेलवे, टीटी, पीसीएस या और भी जिसमें कि जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये सब आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की वहीं पर ही व्याख्या इस प्रकार से कर दी जाएगी कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगी, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही काम आएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज के प्रश्नोत्तर में मैं इतिहास के प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। उत्तर है लौरिया नंदगढ़ का स्तंभ लेख। इस प्रश्न से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहीं पर इसकी व्याख्या में आपको बताऊंगी, जिससे अन्य प्रश्न इससे संबंधित आपको इसके आंसर्स मिल सकें और साथ ही साथ ये अच्छे से कॉन्सेप्ट की तरह आपके दिमाग में रहे। तो ये है कि ये स्तंभ लेख जो है लौरिया नंदगढ़ का, वो बिहार के चंपारण में स्थित है और इसके शीर्ष पर सिंह और फलकों पर हंसों की पंक्ति बनी है। ये सबसे सुंदर स्तंभ है और इसमें 141 पंक्तियों में मानव धर्म पालन और मैत्री का संदेश दिया गया है। इसका सिंह टूट गया है लेकिन यह कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। प्रश्न नंबर दो, अशोक ने बौद्ध धर्म किस बौद्ध संत के प्रभाव में ग्रहण किया। उत्तर है उपगुप्त। 261-62 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच हुए युद्ध में भयंकर रक्तपात और नरसंहार से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उपगुप्त ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, लेकिन अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध संत मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर ही बने। प्रश्न नंबर तीन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। सिखों के 10 गुरु हुए थे, उसमें गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी, आनंदपुर साहिब में की थी। और खालसा जो है वो सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का समूह है। प्रश्न नंबर चार, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा से पदवी नहीं ली। उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जियाउद्दीन बरनी की हत्या करके खिलजी वंश का द्वितीय शासक की पदवी संभाली थी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और इसीलिए अपने को सर्वशक्तिमान समझता था और राजा की सार्वभौमिकता में वो विश्वास करता था। यही कारण था कि उसने अपनी शक्ति के विस्तार के लिए किसी भी खलीफा से कोई भी पदवी या कोई भी अनुमति नहीं ली। वो धर्म से ऊपर राष्ट्र हित को मानता था। इसके साथ साथ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसपे प्रेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसने उलेमाओं की उपेक्षा की, में उलेमाओं की उपेक्षा करने वाला वो शासक था और उसने सिकंदर द्वितीय करके अपनी उपाधि को सिक्कों पर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो उत्तर है कपिल मुनि। इसके अलावा अन्य दर्शन हैं जो पूछे जाते हैं, वो यहीं पर ही स्पष्ट कर देती हूँ जिससे कि वो याद रहेगा कि चार्वाक दर्शन चार्वाक मुनि, पूर्व मीमांसा जामिनी और न्याय दर्शन गौतम मुनि द्वारा प्रवर्तित दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे। उत्तर है कम समृद्ध हिस्से से। इसका मतलब यह है कि जो वहाँ के कम अमीर लोग थे, कि गरीब लोग थे, उनसे वो सब लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य बने थे। असल में फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उस समय ये जैकोबिन क्लब सबसे प्रभावशाली राजनीतिक क्लब
बन के उभरा था। लुई सोलवे के समय ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इस क्लब में किसान, मजदूर, शिल्पी, बुद्धिजीवी, व्यापारी जैसे कम समृद्ध लोगों से संबंधित था ये। और इस फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा फ्रांस में आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए थे। इसके साथ साथ लुई सोलवी का जो राजतंत्र था वो समाप्त हुआ था और इसके और एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। लुई सोलवे के समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट ने इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। तो इतने सारे प्रश्न जो हैं इसी प्रश्न से संबंधित हैं और इसको और स्पष्ट बनाते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? उत्तर है महाराणा कुंभा ने। सन 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में और ये मालवा शासक को परास्त करने के उपलक्ष्य में इन्होंने बनवाया था और इसमें जैन पंथ से संबंधित चित्र बने हुए हैं। ये जो कीर्ति स्तंभ है इसमें जैन पंथ से संबंधित चित्र बने हैं और विजय स्तंभ जो एक और अन्य स्तंभ है उससे भी पुराना ये स्तंभ है। जीके के और क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगी और इस सीरीज को आगे बढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं और क्वेश्चंस इसी तरीके से बनाऊँ और मेहनत करूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।